الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين सामियात अजीज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान की तजवीद के इस क्लास में आपका वेलकम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को शर्फ कबूलियत बख्शे। चलिए ठीक है, हम आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 19। तख्ती नंबर 19 में है मद का बयान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मद के मायने क्या होते हैं। मद का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को लंबा करना, किसी चीज को खींचना, दराज करना किसी चीज को, ये कहलाता है मद। मद का मतलब खींचना जी। तो मद के जो है कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ इकसाम होती हैं उसकी। तो यहाँ हमारे पास तीन किस्में हैं मद की, यानी थ्री टाइप्स हैं हमारे पास मद के। नंबर वन है मद्दे मुत्तसिल, नंबर टू है मद्दे मुनफसिल और नंबर थ्री है हमारे पास मद्दे लाजिम। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने के क्या रूल्स हैं और किस मद को कितना खींचना है हमें, ये इंशाल्लाह आज आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल क्या होता है? हुरूफ़े मद्दा के बाद हमजा हकीकतन उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। इसकी मकदार चार अलिफ के बराबर है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए मद मुत्तसिल क्या है। मद का मतलब आपको पता चल गया कि मद का मतलब होता है खींचना। हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा आपको पता है अलिफ, या और वाव। अलिफ, अलिफ मद्दा से पहले हमेशा जबर होता है, या सुकून होता है और उससे पहले क्या होता है जेर होता है, तो वो या मद्दा होता है। और वाव पे जब जज्म होता है और उससे पहले पेश होता है तो वो क्या कहलाता है? वाव मद्दा। तो ये तीन जो है हमारे पास, ये हमारे हैं हुरूफ मद्दा, अलिफ, या और वाव। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हकीकतन उसी कलिमे में हो। तो देखिए हमजा जो होता है, हमजा को, हमजा के बारे में भी आपको पता है कि हमजा जो होता है वो दो शक्ल में होता है। हमजा भी क्या होता है? दो शक्ल में होता है। एक तो जो उसकी असल शक्ल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है उसी शक्ल में होता है हमजा। एक हमजा होता है अलिफ की शक्ल में। अलिफ पर जब जबर, जेर, पेश या कोई भी हरकत लग जाती है तो वो भी क्या कहलाता है? हमजा कहलाता है। तो मद्दे मुत्तसिल जो है उसमें क्या होगा कि हमजा उसी शक्ल में होगा, यानी हमजा जैसे हम हकीकतन जो उसकी शक्ल है हमजा की उसी शक्ल में होगा और उसी कलमे में होगा, यानी कलमा यानी उसी वर्ड में होगा, उसी वर्ड में होगा हमजा। तो वो क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचना होता है? मद्दे मुत्तसिल को हम तीन या चार हरकात के बराबर खींचते हैं। तीन या चार हरकात के बराबर हम खींचते हैं। इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तब आपकी समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है उसको आप देखिए। मद्दे मुत्तसिल का सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या हुआ? इसमें आपने एक बात है, वो है हमारे पास जा। इसमें आपने देखा कि जीम जबर जा, उसके बाद है अलिफ, अलिफ जुड़ा हुआ है उसमें। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा में से भी कौन सा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को हमने कैसे पहचाना? क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, अलिफ से पहले जीम है और जीम पर जबर है, इसलिए ये क्या हो गया? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद हमने मद्दे मुत्तसिल में क्या पढ़ा कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए, जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी शक्ल में आए,
यानी हमजा की जो असल शक्ल है उसकी, जैसा कि आप इस वर्ड में देख पा रही हैं, जा आ इस वर्ड में आप देख पा रही हैं, तो और क्या है कि उसी लेटर उसी कलमे में यानी उसी वर्ड में आए। तो जा आ ये क्या है, अरबी का एक वर्ड है। इसी में क्या है, अलिफ मद्दा भी जुड़ गया है, और इसी में क्या है, इसी में क्या है, हमजा भी जुड़ गया है, हमजा। तो इसको हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसकी हिज्जो करके देख लेते हैं। इस जो हिज्जो हम इसकी इस तरह से करेंगे, हिज्जो करने की भी इसके दो तीन कायदे होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से हिज्जो कर सकती हैं। मैं इस तरीके से करके बता रही हूँ कि हम तमाम चीजों को कवर कर लेंगे एक ही साथ। तो आप इसको इस तरह से हिज्जो कर सकती हैं, जीम अलिफ मद जबर जा। इसको हमें खींचना कितना है, इसको हमें तीन या चार हरकत की बराबर या तीन या चार अलिफ की बराबर हमें खींचना होता है। आप इसको अपनी फिंगर्स के जरिए भी मालूम कर सकती हैं, यानी आप हाथ लीजिए अपना, और जितनी देर में आप अपनी थ्री और फोर फिंगर्स ओपन कर लेती हैं, उतना ही हमें इसको खींचना होता है मद को। तो मेरे साथ साथ खींच के देखिए, जीम अलिफ मद जबर जा। जितनी देर में आपकी फोर फिंगर्स ओपन हो जाती हैं, उतना जो है हम इसको खींचते हैं मद मुत्तसिल। जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर अ, जा जा जा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें देखिए इसकी हिज्जो किस तरीके से करेंगे। शीन अलिफ मद जबर शा, हमजा जबर अ, शा अ। अब देखिए इसको हमने कैसे पहचाना कि ये मद्दे मुत्तसिल है। इसको हमने इस तरह से पहचाना कि सबसे पहले हमने देखा कि शीन में अलिफ जुड़ा हुआ है, और अलिफ से पहले क्या है, जबर। तो ये क्या हो गया, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी शक्ल में है, यानी अपनी असली शक्ल में हमजा मौजूद है और उसी वर्ड में है, यानी उसके आगे जो वर्ड है उसमें जॉइन नहीं है बल्कि उसी वर्ड में जॉइन है। शाअ ये अरबी का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है चाहना। तो ये जो है अरबी का एक वर्ड है, और इसी वर्ड में हमने हुरूफ मद्दा भी देख लिया और हमने हमजा भी देख लिया, और हमजा क्या है, अपनी असल शक्ल में मौजूद है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, मद्दे मुत्तसिल। इसको हमें कितना खींचना है, इसको हम तीन या चार हरकत की बराबर खींचते हैं। इसको आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकती हैं, इसको आप इस तरह से भी अंदाजा, इसको आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकती हैं कि अपनी फिंगर्स को आप, यानी फोर या फाइव फिंगर्स, थर्ड और फोर फिंगर्स आप ले सकती हैं अपनी, और उसको जितनी देर में आप ओपन कर लेती हैं इतनी देर हम मद्दे मुत्तसिल को खींचते हैं। शा शा शा, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास सू आ। इसमें देखिए इसकी हिज्जो पहले देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। सीन वाओ मद पेश सू, हमजा जबर आ, सू आ। इसको देखिए हमने कैसे पहचाना कि ये मद्दे मुत्तसिल है। इसको हमने इस तरह से पहचाना कि हमने इसमें देखा कि एक वर्ड है सुआ, उसमें क्या है, हुरूफ मद्दा देखेंगे हम। हुरूफ मद्दा क्या है, इसमें वाव मद्दा। वाव मद्दा कैसे पहचाना हमने, वाव पे जज्म या सुकून लगा हुआ है और उससे पहले क्या है, पेश। इसको बहुत तवज्जो के साथ आप लोग समझिए, क्योंकि आगे जो हम दो और अकसाम पढ़ेंगे इसकी, दो और टाइप्स पढ़ेंगे, तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आप इसको तवज्जो के साथ सुनिए। तो हमने हुरूफ मद्दा को कैसे पहचाना,
हमने इस तरह से पहचाना कि हमने देखा वाव है, वाव पर जज्म यानी सुकून लगा हुआ है और उससे पहले क्या है पेश। तो आपको मालूम है कि जब वाव वाव पर सुकून हो और उससे पहले पेश हो तो वो क्या होता है वाव मद्दा। वाव मद्दा के फौरन बाद क्या है हमजा अपनी असल शक्ल में मौजूद है, जैसे उसकी शक्ल होती है हमजा की वो अपनी उस असल शक्ल में मौजूद है और उसी वर्ड में मौजूद है, यानी आगे जो वर्ड है उसके फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इमेजिन जस्ट इमेजिन कि आगे कोई वर्ड है तो वो दूसरा वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हमजा मौजूद नहीं है बल्कि जो एक लेटर एक वर्ड है हमारे पास सू आ एक लफ्ज मौजूद है हमारे पास उसमें क्या हमने देख लिया उसमें हमने हुरूफ मद्दा में से वाव मद्दा देख लिया और उसके फौरन बाद क्या है हमजा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये क्या कहलाता है मद्दे मुत्तसिल। इसको हम कितना खींचते हैं, इसको हम 3 या 4 हरकात के बराबर खींचते हैं। आगे देखिए मद्दे मुत्तसिल का लास्ट एग्जाम्पल सीन या मद जेर सी, सीन या मद जेर सी हमजा ता जबर अत सी अत। इसमें आप देखिए कि हमने कैसे पहचाना कि ये मद्दे मुत्तसिल का एग्जाम्पल है। इसको हमने इस तरह से पहचाना कि सीन सीन क्या किसके साथ जोड़ रही है या के साथ, या पर क्या लगा हुआ है जज्म लगा हुआ है और आपको मालूम है कि जब या पर जज्म हो और उससे पहले जेर हो तो ये क्या होता है या मद्दा। या मद्दा के फौरन बाद अगर हमजा अपनी असली शक्ल में आ जाए तो क्या होता है मद्दे मुत्तसिल, यानी या पर क्या है जज्म भी लगा हुआ है और मद भी लगा हुआ है, उसके फौरन बाद क्या है हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद है और सी अत ये जो हमारे पास एक वर्ड है पूरा एक लफ्ज है इसी में हमने देख लिया कि या मद्दा भी है और हमजा भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है, इसलिए ये क्या हो गया मद्दे मुत्तसिल। इसको हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे सीअत, यानी आप देख लीजिए अपनी मुट्ठी बंद करिए और जितनी देर में आपकी 4 फिंगर्स ओपन हो जाती हैं इतना आप खींचिए सीअत। जा शा सूअ सीअत। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट जो टाइप है हमारा मद का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास मद्दे मुनफसिल। फर्स्ट था हमारे पास मद्दे मुत्तसिल, प्रोनंसिएशन भी आपको आना चाहिए मद्दे मुत्तसिल। सेकंड है हमारे पास मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल भी मद्दे मुत्तसिल से ही मिलता जुलता है, देख लेते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो, हमजा दूसरे कलमे में यानी दूसरे वर्ड में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। इसकी मकदार यानी इसको कितना खींचना है 4 अलिफ के बराबर, यानी जितना हम फर्स्ट टाइप को खींच रहे थे मद्दे मुत्तसिल को खींच रहे थे उतना ही हम मद्दे मुनफसिल को खींचेंगे। इसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि ये मद्दे मुत्तसिल है या मद्दे मुनफसिल है, इसकी पहचान हम इस तरह से करेंगे कि नीचे आप एग्जाम्पल को देखिए, मद्दे मुनफसिल की जो लाइन है उसको देखिए आप। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास इन्ना अंजलनाहु। इसमें देखिए आप कि इन्ना एक वर्ड है हमारे पास इन्ना, हमजा नून ज़ेर इन नून अलिफ मद ज़बर ना इन्ना, मद किस पे लगा हुआ है अलिफ पे और अलिफ से पहले क्या है नून पर जबर। तो आपने ये पहचान कर ली, हमने ये पहचान कर ली कि ये क्या है अलिफ मद्दा हो गया, क्योंकि अलिफ से पहले जब जबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है अलिफ मद्दा। अब आप देखिए इन्ना एक वर्ड है हमारे पास, अब इसके आगे क्या है हमजा, हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है बल्कि हमजा किसकी शक्ल में है अलिफ की शक्ल में। ये बात आप पढ़ चुकी हैं पहले कि जब अलिफ पर कोई भी हरकत लग जाती है तो वो अलिफ ना रहकर हमजा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अनजलना अनजलना, अन में क्या है हमजा, हमजा को हम नून से मिलाएंगे हमजा नून जबर अन। यहाँ देखिए आप इन्ना, इन्ना के फौरन बाद क्या आ गया आ यानी हमजा आ गया, लेकिन हमजा इन्ना में ज्वाइन नहीं है बल्कि अनजलना में ज्वाइन है।
इन्ना एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है बेशक हम। अनजलना एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है हमने इसे नाजिल किया, हमने इसे उतारा। तो दो अलग वर्ड है। मद मुनफसिल में क्या होगा जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप मद का, कि इसमें क्या होगा, हमजा जो है उसी कलमे में मौजूद नहीं होगा जिस कलमे में मद होगा। हमजा उसके आगे जो वर्ड होगा उस कलमे की शुरू में होगा। इन्ना अंजलनाहु, इसकी हिज्जो देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। हमजा नून ज़ेर इन नून अलिफ मद ज़बर ना इन्ना इन्ना, नून पे गुन्ना होगा ना क्योंकि नून पे तशदीद लगी हुई है। इन्ना, अब इसको खींचना कितना है, यानी नून को हम खींचेंगे क्योंकि नून पर क्या है, मद लगा हुआ है। और कितना खींचना है, चार अलिफ के बराबर, जितनी देर में आपकी फोर फिंगर्स ओपन हो जाती हैं आप इतना इसको खींचिए ना को। इन्ना, अब आगे देखिए, आगे क्या है, हमजा। हमजा को हम किससे मिलाएंगे, नून से, क्योंकि नून पर जज्म लगा हुआ है। हमजा नून जबर अन, जा को लाम से मिलाएंगे क्योंकि लाम पर क्या है, जज्म लगा हुआ है। जा लाम जबर जल अन जल, नून खड़ा जबर ना अन जल ना, हा पेश हु अंजलनाहु। इन्ना को खींचेंगे चार अलिफ के बराबर, इसको हमने पहचान कैसे करी, इसकी हमने पहचान इस तरह से करी कि ये मद्द मुनफसिल है क्योंकि जो हुरूफ है मद्दा में से अलिफ मद्दा यहाँ पर आ गया है, अलिफ मद्दा पर जबर है और उसके आगे हमजा है, लेकिन हमजा उसी कलमे में यानी उसी वर्ड में मौजूद नहीं है बल्कि उसके नेक्स्ट जो वर्ड है उस वर्ड में हमजा मौजूद है। तो ये क्या हो गया, मद्द मुनफसिल, और इसको हम कितना खींचते हैं, चार अलिफ के बराबर। इन्ना अंजलनाहु इन्ना अंजलनाहु। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास औलू आमन्ना। इसको देख लीजिए हिज्जो किस तरीके से करेंगे, ऑफ अलिफ जबर कौ लाम वाओ मद पेश लू, अलिफ यहाँ पर पढ़ा नहीं जाएगा। अलिफ जो है इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा था कि कुछ हुरूफ लिखे होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, तो ये अलिफ जो है उसी में से एक है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं है। औलू, अब देखिए आप औलू लाम वाव पिश लू जो है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वाव मद्दा। इसको हमने कैसे पहचाना, क्योंकि वाव पर जज्म लगा हुआ है और उससे पहले क्या है, पेश, यानी लाम पर आपको पेश नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वाव मद्दा। वाव मद्दा के बाद अगर हमजा आ जाए और दूसरे कलमे में हो, यानी कालू एक वर्ड कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है दूसरा वर्ड, आमन्ना। तो कालू एक वर्ड हो गया, इसमें क्या है, हुरूफ मद्दा मौजूद है और मद है, उसके बाद फौरन क्या है, उसके फौरन बाद क्या है, हमजा अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है लेकिन अलिफ की शक्ल में हमजा मौजूद है। तो ये क्या है, मद्द मुनफसिल। इसको हम कितना खींचते हैं, चार अलिफ के बराबर। चलिए अपनी फिंगर्स को ओपन करके देखिए, कौलू आमन्ना, हमजा खड़ा जबर आ, मीम नून जबर मन आमन, नून अलिफ जबर ना आमन्ना, नून पे गुन्ना होगा। लाम वाव पिश लू को खींचते हैं और चार अलिफ के बराबर खींचेंगे, आमन्ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, लाम जबर ला हा उल्टा मद पेश लू, हा उल्टा मद पेश हू, लहू लहू लहू। आगे देखिए, लहू जो है ये एक वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप देखिए कि लहू में हुरूफ मद्दा कहाँ है, लहू में हुरूफ मद्दा कहाँ है, इसमें तो ना हमें अलिफ मद्दा नजर आ रहा है, ना हमें वाव मद्दा नजर आ रहा है, ना हमें या मद्दा नजर आ रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा आ जाए तब मद्द मुनफसिल होगा। देखिए इसकी पहचान हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने जो खड़ी हरकात पढ़ी थी, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश, ये हमने पढ़ा था उल्टा पेश,
ये हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं, यानी हुरूफ मद्दा के बराबर होती हैं खड़ी हरकात। अब यहाँ पे हुरूफ मद्दा तो मौजूद नहीं है, लेकिन खड़ी हरकात में से उल्टा पेश हमारे पास मौजूद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि हम लोग ये दोनों चैप्टर हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकात पढ़ चुके हैं। तो जो उल्टा पेश होता है वो किसके बराबर होता है, वाओ मद्दा के बराबर होता है। याद आया आपको, दोनों की साउंड सेम होती है लेकिन दोनों की लिखावट यानी शक्ल अलग अलग होती है। दोनों को सिमिलियर खींचते हैं हम। लाम जबर ला हा उल्टा मद पेश हू लहू। अब यहाँ पर जो उल्टा पेश आया है वो क्या है, हुरूफ मद्दा के मुकाबिल है, और वो भी क्या, हुरूफ मद्दा में से वाओ मद्दा के मुकाबिल है। अब आपने ये चीज नोटिस कर ली कि यहाँ पर क्या है, हुरूफ मद्दा आ गया। हुरूफ मद्दा अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है लेकिन उल्टा पेश की शक्ल में मौजूद है, और उसके फौरन बाद क्या आ गया, हमजा। हमजा भी अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है लेकिन अलिफ की शक्ल में मौजूद है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि हुरूफ मद्दा के बाद फौरन हमजा आ जाए और दूसरे कलमे में आए, यानी लहू एक वर्ड है, इसका मतलब होता है उसके लिए, अदुआफन यानी इजाफा करना किसी चीज में, तो ये दो अलग वर्ड हो गए। लहू जो है एक वर्ड है, इसमें हुरूफ मद्दा हमने नोटिस कर लिया उल्टा पेश की शक्ल में, और अदुआफन हमजा इसमें आ गया, उल्टा पेश के फौरन बाद हमजा आ गया, तो इसका मतलब है ये हुरूफ मद्दे मुनफसिल है, इसको हम चार अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमजा बौद जबर अब आइन अलिफ जबर अदुआ फा दो जबर फन अदुआफन अदुआफन लहू अदुआफन। लहू को खींचना है हमें, हु को चार अलिफ के बराबर, लहू अदुआफन अदुआफन। आगे देखिए मद मुनफसिल का लास्ट एग्जाम्पल, फा या मद जेर फी। इसकी हिज्जे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, फा या जेर फी ऊपर मद, फा या जेर फी। आप चाहें तो अलग अलग कर लें, चाहें तो एक बार में मिला के पढ़ लें, दोनों तरीके से इसकी हिज्जो की जा सकती है। मैं यहाँ एक साथ मिलाकर ही हिज्जे कर रही हूँ इसकी, फा या मद जेर फी। अब आप इसका पता कैसे लगाएंगी कि फी को हमें कितना खींचना है, आया हमें इसको चार अलिफ के बराबर खींचना है या पांच अलिफ के बराबर खींचना है या तीन अलिफ के बराबर खींचना है, इसका आप अंदाजा किस तरह से लगाएंगी कि ये मद मुत्तसिल है या मद मुनफसिल है। इसका हमने अंदाजा इस तरीके से लगाया, इसका पता हमने इस तरीके से लगाया, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हुरूफ मद्दा। और आपने अगर हुरूफ मद्दा का चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब से हुरूफ मद्दा का चैप्टर पढ़िए, हमारी वेबसाइट पर जो है अवेलेबल है, उसको आप देखिए, तब आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। फा या मद ज़ेर फी, इसमें हमने देखा कि फा के बाद क्या है, या पर है जज्म, और या पर जज्म है उससे पहले क्या है, ज़ेर, तो ये क्या हो गया, याए मद्दा, और उस पर मद लगा हुआ है, तो या मद्दा आ गया, उसके फौरन बाद क्या है, हमजा, यानी हमजा मीम जबर अम, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, हमजा। तो हमजा अब फी कल यानी फी जो एक कलमा है, एक वर्ड है, उसमें तो मौजूद नहीं है लेकिन दूसरे कलमे में, यानी अमरीना एक वर्ड है, उसमें हमजा स्टार्टिंग में मौजूद है, तो ये क्या हो गया, मद मुनफसिल, इसलिए हम इसको चार अलिफ के बराबर खींचेंगे, फी अमरीना फी अमरीना। तो ये जो हमने अब तक पढ़े मद मुत्तसिल, और दूसरा हमने पढ़ा मद मुनफसिल, तीसरा है मद लाजिम। मद लाजिम क्या होता है, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून लाजिम या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा, इसकी मकदार पांच अलिफ के बराबर है। हुरूफ मद्दा आपको मालूम है, अलिफ या और वाओ। अगर आप कहीं ऐसा देखें लिखा हुआ कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आ जाए यानी जज्म आ जाए किसी वर्ड पर, या फिर किसी वर्ड पर हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ जाए, तशदीद और जज्म आ जाए, वो क्या होता है, मद लाजिम। उसको हम पांच अलिफ की बराबर खींचते हैं, यानी मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल की से एक दर्जा ज्यादा हम उसको खींचते हैं, पांच अलिफ के बराबर खींचेंगे। मद लाजिम का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल आल आना, इसकी हिज्जो देख लेते हैं पहले किस तरीके से करेंगे।
हमजा खड़ा, हमजा लाम, हमजा पढ़ेंगे पहले फिर लाम पढ़ेंगे क्योंकि लाम पर सुकून है, जज्म है, हमजा लाम खड़ा मद जबर आल, आल। अब आप देखिए हमजा है स्टार्टिंग में हमारे पास और उस पे क्या है, खड़ा जबर लगा हुआ है। आपको मालूम है कि खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। अब क्या है, अलिफ मद्दा इसमें आ गया खड़ा जबर की शक्ल में, उसके फौरन बाद क्या है, लाम पर जज्मिया सुकून। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मद्दे लाजिम हो गया क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद जज्म आ गया, सुकून आ गया। इसलिए हम इसको पांच अलिफ के बराबर खींचेंगे। अपनी मुट्ठी बंद करिए और जितनी देर में आप अपनी फाइव फिंगर्स ओपन कर लेती हैं इतना हम इसको खींचेंगे। हमजा लाम खड़ा मद जबर आल, हमजा खड़ा जबर आ, आल, आ, नून जबर ना, आल, आना, आल, आना। आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। हा 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 में क्या जुड़ा हुआ है, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के ऊपर है मद, उसके बाद अलिफ मद्दा के बाद फौरन क्या आ गया, जिम पर तशदीद। ये तशदीद का एग्जाम्पल आपके सामने है कि अलिफ मद्दा के फौरन बाद जब तशदीद आ जाए तो वो क्या होता है, मद्दे लाजिम। और क्या है, अलिफ मद्दा के बाद या अलिफ मद्दा के बाद या फिर याए मद्दा के बाद या फिर वाव मद्दा के बाद अगर सुकून आ जाए या तशदीद आ जाए तो वो क्या होता है, मद्दे लाजिम होता है। तो यहाँ हाज जू का ये देख लीजिए एग्जाम्पल। हा हा में क्या जुड़ा हुआ है, अलिफ मद्दा, उसके फौरन बाद क्या है, तशदीद। इसकी हिज्जो किस तरीके से करेंगे, हा 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 को आपने अच्छे तरीके से अदा करना है, हा अलिफ जीम मद जबर हाज, जीम वाव पेश जू, हाज जू, काफ जबर का, हाज जू का। पांच अलिफ के बराबर खींचना है हमें हा को, हाजू का। आगे देखिए, आगे एग्जाम्पल है, वाव को स्वाद से मिलाएंगे, वाव स्वाद जबर वस, वाव स्वाद जबर वस। अब देखिए स्वाद पे क्या है, खड़ा जबर, खड़ा जबर आपको मालूम है कि अलिफ मद्दा के बराबर होता है, उसके बाद क्या है, फा, फा पर क्या है, तशदीद। तो खड़ा जबर के बाद क्या है, फा पर तशदीद, तो ये क्या हो गया। और स्वाद पे आपको मद भी खड़ा, मद भी लगा हुआ नजर आ रहा है, तो हम स्वाद को फा से मिल किस तरह से मिलाएंगे, शुरू से देख लीजिए इसकी हिज्जे, वाव स्वाद जबर वस, स्वाद फा खड़ा मद जबर स्वाफ, स्वाफ फा खड़ा जबर फा वस, स्वाफ फा ताजिरती वस्सोफाती। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, बाद अलिफ लाम, हिज्जो इस तरीके से करनी है, बाद अलिफ लाम मद जबर बॉल, लाम दो जबर लन बॉलन, तशदीद पे जमाना है आपको बॉलन। अलिफ मद्दा आ गया, अलिफ मद्दा के फौरन बाद तशदीद आ गई लाम पर, इसलिए हम इसको पांच हरकत, पांच अलिफ के बराबर खींचेंगे। चलिए दुआ पढ़ लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।